ये कहाँ चली गई? मैं तो उसे यहीं छोड़ के गई थी, तैयार हो रही थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी। अब क्या करें? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। विमोदी, गलती हमारी है। हम जानते थे कि काजल इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हमने उसे हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना, उसने अपने मर्जी से हाँ की थी। अब सवाल ये कि हम करें क्या? तू परेशान मत हो सत्या, आ जाएगी, आ जाएगी वो। फोन कर, फोन कर उसे। हाँ, फोन करते हैं। फोन ही नहीं उठा रही। तुम लोग अभी इधर ही छो, सब लोग बाहर खड़े हैं, तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं, और काजल किधर है? बुआ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? वो ताई, काजल पता नहीं कहाँ चली गई। चली गई मतलब? यहीं छोड़ के गई थी। बुआ, वो हॉटी काजल कहाँ है? वो मंदिर गई है दर्शन के लिए, और वो मुझसे कहकर भी गई थी। मंदिर? और तुम्हें? वो बेवकूफ लड़की, तुझे पता है ना उसकी हालत क्या है? हाँ, कितनी परेशान है वो, और तूने उसे अकेले जाने दिया। बुआ, मेरी बात तो सुनिए। मैंने उसे कहा था कि मैं भी उसके साथ चलूंगी, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही और अकेले ही गई। अरे पर बेटा, हमें बताना तो चाहिए था ना तुम्हें। अंकल, काजल ने मना किया था, लेकिन वो जल्दी आ जाएगी। तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? अंकल, मंदिर में पूजा चल रही होगी, इसीलिए उसने नहीं उठाया होगा। सोचा था फिर कभी आपके सामने नहीं होगी, कभी आपके सामने हाथ नहीं जोड़ूंगी, पर जिस इंसान की वजह से मैंने ये फैसला लिया, आज उसी की यादों ने मुझे एक बार फिर आपके सामने खड़ा कर दिया। देव, उसका चेहरा, उसका नाम तक अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देना चाहती हूं। फिर क्यों, क्यों मुझे हर जगह बस वही एक चेहरा नजर आता? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कन्नू भैया, बारे में सोचती हूँ तो ये मन बार बार भटक जाता है। प्लीज मेरी मदद कीजिएगा तू भैया, मैं देव को भूल जाना चाहती हूँ, उसे याद तक नहीं करना चाहती। अब तक हम दोनों यादों के एक डोर से बंधे हुए थे काजल, पर आज आज मैं उस डोर को भी खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा हर उस चीज को जो मुझे और तुम्हें किसी भी तरीके से एक दूसरे से जोड़ी रखती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीते कल का कोई भी ऐसा लम्हा हो जो तुम्हें फूल से भी सता पाए। भूल जाना चाहते हो उस हर एक लम्हे को जिसमें देव नाम का लफ्ज भी शामिल था। मैं आज से एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूं, और इस नए सफर को तय करने के लिए मुझे हिम्मत दो, ताकत दो मुझे कि मैं इस सफर को ईमानदारी से तय कर सकूं, हौसला दो मुझे कि मैं अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ सकूं।
आज मैं काजल से जुड़ी हर याद को मिटा दूंगा और उन यादों के साथ ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा और मेरा रिश्ता। आज से तुम आजाद हो काजल, मेरे दिल से, मेरे प्यार से, मेरी हर याद से तुम आजाद। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा स्वाहा सर्वमंगलमय। हे भगवान, मेरे देव ने आज तक जिंदगी कम और जिंदगी के कम ज्यादा छीने हैं। आपने उसे उसका प्यार तो छीन लिया है, अब उसकी जिंदगी उससे छीन लो। चाहे उसे मेरी उम्र दे दो, अगर उसकी जिंदगी उसे मत छीनो। मेरे बोझ को और मत बढ़ाओ काजल, दिल पे पत्थर रखकर तुम्हें दिल से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। जाओ काजल जाओ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझसे दूर ध्रुव के पास जाओ काजल। काजल अभी फोन नहीं उठा रही है। मेमोदी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ध्रुव और उसके परिवार वाले अगर पहले पहुंच गए तो हम लड़की वाले हैं, हमको पहले पहुंचना चाहिए वहां। हाँ, आप एकदम बराबर बोल रहे हैं। लड़की वालों का स्वागत करना लड़की वालों का फर्ज होता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो तू फिकर मत कर, आ जाएगी वो, आ जाएगी। हाँ, एक काम करो, तुम सब लोग वहां पहुंचो, मैं काजल को लेकर आती हूँ। अरे बिमुद्दीन, मैं आपके बिना वहां क्या करूंगा, मैं ध्रुव और उसकी दादी से क्या बातें करूंगा। बुआ जी, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जाइए, मैं काजल को मंदिर से लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा, जल्दी आना, देर मत करना, हम सब चलते हैं। हाँ जी, चलो चलो, चलो। ताम्रपत्र और पूजा की सामग्री यहाँ ले आइए। जी पंडित जी। ओम हरि ओम। आज ये पूजा नैन तारा जी के सुपुत्र देव प्रताप सिंह के जीवन में आई शनि की महादशा की शांति के लिए की जा रही है। देव के लिए ध्रुव और इसकी सगाई। पंडित जी, अखंड सौभाग्यवती रहो पुत्री,
भगवान तुम्हें सती सी सुहागिन बनाए। पंडित जी, ये पूजा देव के लिए? हाँ, देव प्रताप सिंह के लिए किया जाए। हे भगवान, कहीं काजल को ये सब पता चल गया तो। समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसके सामने जाऊंगी तो, पर अगर मैं नहीं भी जाती तो कहीं पंडित जी उसे सब कुछ पता ना दे। पर किस लिए? शनि ग्रह की शांति के लिए बेटी। शनि ग्रह की शांति? हाँ, देव प्रताप सिंह के जीवन में शनि की महादशा चल रही है। पंडित जी, सामान आपने? अरे काजल बेटा, तुम यहाँ? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आज तुम्हारी सगाई है ना? जी, वो मैं बस भगवान का आशीर्वाद लेने ही आई थी। बुआ भी साथ में आई है? नहीं, मैं बस अकेली। आंटी, ये पूजा देव के लिए, वो मैंने सुना देव के लिए गृह शांति की पूजा। बेटा, आज तो तुम्हारी सगाई है, तुम्हें तो वहां होना चाहिए, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं घर ही जा रही थी, पर जब मैंने सुना कि ये पूजा देव के लिए है तो वो पंडित जी कुछ शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। आखिर बात क्या है आंटी, ये किस लिए है ये पूजा? मॉम, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। काजल, हमने ये पूजा देव के गुस्से को काबू में करने के लिए रखवाई। तुमने तो उसके साथ इतना वक्त बिताया, तुम तो जानती ही हो ना कि वो बात बात में गुस्सा हो जाता है। उसे शांत करने के लिए ही ये पूजा करवाई जा रही है। लेकिन काजल, इस वक्त तो तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हारी सगाई होने वाली है और अब तक तो ध्रुव भी घर पहुंच गया होगा। काजल बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ बेटा। एक मिनट। हेलो हेलो अंकल, आप लोग वहां पहुंच गए? हाँ बेटा, हम लोग वहीं पर हैं। और अंकल, काजल भी वहां आ गई? नहीं बेटा, बस आती होगी, वो असल में तैयार होने चली गई थी, इसलिए थोड़ा। दो मिनट अंकल, लड़कियों को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, और आज तो काली की सगाई है तो टाइम तो लगेगा ना। हेलो हेलो ध्रुव बेटा, हेलो, तुम्हारी आवाज़ क्रैक हो रही है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँ? ओके अंकल, हम लोग भी वहाँ 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, सो आई सी यू देयर। अच्छा, वो लोग भी पहुँचने वाले हैं, पता नहीं काजल कहाँ चली गई। काजल, तुम्हें देर हो रही है, तुम घर जाओ प्लीज, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। हाँ बेटा, तुम जाओ, जैसे पूजा खत्म हो जाएगा हम भी सगा में आएंगे। काजल का यहाँ होना क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर भगवान का कोई इशारा? कहीं विदाता खुद ही अपनी विधि के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? हो सकता है भगवान ने खुद ही देव की पूजा सफल बनाने के लिए काजल को यहाँ भेजा हो। सिद्ध बाबा ने कहा था कि अगर देव की शादी उसके प्यार से हो गई तो वो बच जाएगा। काजल अगर देव की जिंदगी बचा सकती है तो शायद अगर किसी तरह काजल का हाथ इस हवन की सामग्री पर लग जाए तो शायद ये महादशा ठीक हो जाए। Thank you.
से आपका आशीर्वाद चाहिए भगवान। काजल के हिस्से की प्रार्थना भी स्वीकार कर लेना। जीती रहो बेटी। मालूम है काजल को ढूंढ रहे हो ना? जी हाँ। बस आती होगी, थोड़ा सा इंतजार और। आइए ना। आइए। पत्र दीजिए। जी पंडित जी। कीर्ति लाली। के जीवन में शनि की महादशा बहुत प्रबल है और एक बहुत बड़ा संकट देव के जीवन पर मंडराने लगेगा और आगे जाकर जब ये महादशा अपने चरम पर पहुंचेगी तो देव की मौत का कारण भी बन सकती है। We'll be right back.